हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के सभी क्वेश्चंस को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज हैं, थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी प्रकार के हल कराए गए हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए और एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस डेली बेसिस से मैं करा रही हूँ। 2024 का वो 69वां वीडियो है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, डेली बेसिस में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि इसमें एक सबसे ऑड यानी कि विषम कौन है। तो देखते हैं, फ्लैंजियल्स यानी उंगलियां जो है प्रत्येक हाथ में या प्रत्येक पैर में कितनी होती हैं, 14 होती हैं, ए राइट है। और मेटाटार्सल जो है कितनी होती हैं, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल दोनों हाथ में मेटाटार्सल कार्पल 5 होती हैं और पैर में मेटाकार्पल जो है टार्सल जो है वो 5, दोनों में 5 5, ये भी राइट है। स्केपुला जो होती है यहाँ पे एक तरफ की बात हो रहा है खाली, तो स्केपुला जो है कंधे जो है की हड्डी जो है दो होती है, तो स्केपुला जो है एक हो गया एक तरफ, ये भी राइट है। और टॉर्सस बोन, दोस्तों कार्पल जो हमारा कलाई की हड्डी है वो 8 होती है और जो टॉर्सस होती है टखने की हड्डी वो 7 होती है, 8 नहीं होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे ग जो है विषम है। आज के क्वेश्चन में ऑड ऑप्शन ही आपको छांटना है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा सभी चीजों को। नेक्स्ट है, कौन इसमें ऑड है दोस्तों? तो दोस्तों देखते हैं, थ्रोअर मसल्स पेक्टोरलिस मेजर जो हमारे वक्ष पर हड्डी होती है उसको कहते हैं थ्रोअर मसल्स, एंड लिफ्टर मसल्स बोला जाता है डेल्टॉइड को, ठीक है, डेल्टॉइड को लिफ्टर मसल्स बोला जाता है, ये भी राइट है। राइडर मसल्स जो होता है एडक्टर मंगस को बोला जाता है, ये भी राइट है। लेकिन दोस्तों, बॉक्सर मसल्स जो है वह सार्टोरियस को नहीं बोला जाता, बॉक्सर मसल्स सेरेटस एंटेरियर को बोला जाता है, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विषम है दोस्तों? तो यहां पे देखते हैं जो है लंदन जो है कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय है, लुसाने आईओसी का मुख्यालय है, सही है, कुवैत सिटी एसीआर का मुख्यालय है, ये भी सही है, बट आपका एमस्टर्डम जो है सैग यानी साउथ एशियन गेम का मुख्यालय नहीं है, जबकि साउथ एशियन गेम का मुख्यालय इस्लामाबाद है, इसलिए यह विषम है यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन एक ऑड है, विषम है दोस्तों? तो यहाँ पे आप इजी क्वेश्चन है, लार्डोसिस, हालो बैक, स्वे बैक, ठीक है, बैक पोस्चर डिफेक्ट, ये सभी लार्डोसिस की, जिसमें बीच में कमर वाले भाग में करो यानी गड्ढा बन जाता है, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, उसको लार्डोसिस विकृति कहते हैं, ये सभी लार्डोसिस का ही नाम है, हालो बैक, स्वे बैक। जबकि हंच बैक जो है यह काइफोसिस यानी कुबड़ा जो भाग पीठ जो है वक्ष वाला भाग पीछे की तरफ बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे कुबड़ा कहते हैं, उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें कौन ऑड है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फीटा है अंतरराष्ट्रीय संस्था है आर्चरी का, ये राइट है। एंड फीना जो है वाटर स्पोर्ट एंड स्विमिंग एंड डाइविंग सबका सबके अंतर्गत आता है, फीना के अंतर्गत वाटर स्पोर्ट आता है, भी राइट है। और FIG जो है फेडरेशन इंटरनेशनल जिम्नास्टिक जो है जिम्नास्टिक के अंतर्गत आता है, एंड फाइबा जो है ये आपका आता है किसके अंतर्गत, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी बास्केटबॉल के अंतर्गत आता है, इसलिए यह सबसे अलग है, गलत है, बॉलिंग दिया हुआ, बॉलिंग के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें कौन है दोस्तों? तो यहां पे आप देख सकते हैं कौन अलग है,
तो यहाँ पे ग्रीन चिली विटामिन सी पाया जाता है, लेमन में भी यानी नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है, अमरनाथ में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि कैरोट यानी गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, वो भी सबसे ज्यादा मात्रा में। यहाँ पे अलग कौन है दोस्तों, विषम कौन है, कैरोट, क्योंकि कैरोट विटामिन ए में पाया जाता है और सभी विटामिन सी में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड विच रिस्पेक्ट टू ओलंपिक, ओलंपिक से रिलेटेड है, इसमें कौन ऑड है यानी विषम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये सभी क्या है, महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका को महाद्वीप नहीं माना जाता, जबकि हम लोग उसमें काउंट करते हैं, ये सभी महाद्वीप का नाम है। तो यहाँ पे अब आंसर दिया हुआ है ख, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ओशिनिया होना चाहिए, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन ऑड है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, यह न्यू दिल्ली में है, ये आपका राइट है, ठीक है। निन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, ये भी राइट है, ठीक। तो ग भी राइट है, एंड IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नई दिल्ली में है, ये भी राइट है, जबकि साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुआ, यह नई दिल्ली में है, पटियाला में नहीं है, इसलिए यह गलत है यानी कि ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें कौन अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका अलग कौन हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है, पैरेटिड एंड सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल, क्या है यह, जो है लार ग्रंथि का नाम है, सबसे बड़ा लार ग्रंथि पैरेटिड ग्लैंड ग्रंथि एंड सबसे छोटा सब लिंगुअल। तो ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियां दोनों कान के तरफ पाई जाती हैं, और जिससे टायलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। सब कॉलर आपका नहीं है, इसमें ऑड होगा, ठीक है। सब कॉलर आपका क्या होगा, सब कॉलर कोई ग्रंथि नहीं है, बाकी ग्रंथियों के नाम है, यानी सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि का नाम है। तो यहाँ पे क आपका ऑड होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से ऑड कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेक स्ट्रोक एंड फ्री स्टाइल, ये सभी चारों पद्धतियाँ हैं तैराकी की, क्या है, पद्धतियाँ हैं, जबकि पाइक का संबंध डाइविंग से है, इसलिए यह ऑड है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब के सभी श्वसन तंत्र के भाग हैं, तो इसमें से ट्रेकिया जो है दोस्तों वह जो फेफड़े के बाहर का भाग है, और जो ही फेफड़े में जाता है ट्रेकिया तो ब्रांचेज में बढ़ जाता है, फिर और छोटे छोटे धागों में बढ़ जाता है, फिर एक गुच्छा बन जाता है। तो जब दो भागों में जाकर के बढ़ जाता है ट्रेकिया फेफड़ों में, तो उसे ब्रांचेस कहते हैं, फिर कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है भागों में, तो इसे ब्रांचियोलिस कहते हैं, फिर वह गुच्छा के रूप में एक गोला गोला हो जाता है, एलुलाइज कहते हैं, एलुलाइज में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये सभी ट्रेकिया जो है आपका अलग है, क्योंकि फेफड़े से बाहर का भाग है और सभी तीनों फेफड़े से अंदर का भाग है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से एक अलग कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो टाइलिन है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, टाइलिन किसका पाचन करता है, एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छा से आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो यहाँ पे जो ऑड नंबर आपको छांटना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि टाइलिन जो है लार ग्रंथि से स्रावित एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, एमाइलेज भी जो है एंजाइम है जो आग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, यह भी कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, इन्वर्टेज छोटी आंत से स्रावित होता है, यह भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जबकि पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करता है,
प्रोटीन को पचाता है। यह अमाशय यानी कि अमाशय के जठर ग्रंथि के जठर ग्रस्त से स्रावित होता है, ठीक है। और सभी ठीक है, यहाँ पे पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और तीनों जो है आपका इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसलिए यहाँ पेप्सिन जो है ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे शिक्षा महाविद्यालय की बात हो रहा है। तो लखनऊ में सारे शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना 1932 में हुआ था एंड कोलकाता में 1932 में, हैदराबाद में 1931 में, जबकि कांदिवली मुंबई की स्थापना 1938 में हुआ था, 36 में नहीं हुआ था, इसलिए गलत है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन है अलग। यहाँ पे टर्मरिक है, हल्दी, ग्रीन टी, टोमेटो, इस सभी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इन सभी में, पर ब्रिंजाल यानी बैगल में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें कौन सा अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे 5000 मीटर, 1500 मीटर, 10000 मीटर, इसमें कर्व स्टार्ट होता है, जबकि 800 मीटर में स्ट्रैगर दिया जाता है, ठीक है, बाकी में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से कौन अलग है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिया हुआ है टूर्नामेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन गलत है, यानी ऑड कौन है, अलग कौन है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अगर नंबर आप टीम जो है 21 है तो बाई कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 2 के पावर 5, यानी 32 में 21 घटाएंगे तो आपका 11 आएगा, तो क आपका राइट है, ठीक है, क आपका राइट है। एंड आपका ख जो है सीडिंग जो है, आप सीडिंग निकालने का सूत्र होता है आपका, सीडिंग कब दिया जाता है, टूर्नामेंट को रोमांच को बनाए रखने के लिए, अच्छी टीमों को अलग अलग हाफ क्वार्टर समूह में रखना जो है सीडिंग कहलाता है। अच्छी टीमों को पहले ही राउंड में आपस में प्रतिस्पर्धा को नकारा जा सके, यानी कि अच्छी टीम पहले ही खेल के बाहर ना हो, इसलिए दिया जाता है, यानी टीमों को उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर बाई वाले स्थान पर ही रखा जाता है। इसके अलावा अन्य टीमें जिन्हें सीडिंग नहीं दी गई है उन्हें लॉटरी के आधार पर रैंडम तरीके से फिक्सर में रखा जाता है। और याद रखिए जो सीडिंग होता है हमेशा पावर ऑफ टू वाली टीम को ही दिया जाता है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार का, और सीडिंग की अधिकतम संख्या 4 दी जा सकती है, अधिकतम 4, ठीक है। अब भाग लेने वाली टीमों की संख्या 16 से अधिक हो तब उनको ग्रुपों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक ग्रुप में 4 सीडिंग दिया जाता है। सीडिंग ज्ञात करने का सूत्र होता है पहले के पावर ऑफ 2 - n, यहाँ पे पहले के पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, यानी कि आपका 16 में से 19 घटाएंगे, तो यानी 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 सीडिंग आएगा, तो 3 सीडिंग दिया नहीं जाएगा, हमेशा पावर ऑफ 2 दिया जाता है, तो 2 सीडिंग आपका राइट होगा, तो ख भी राइट है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ग वाला ऑप्शन जिसमें सुपर सीडिंग है, तो कभी भी सुपर सीडिंग या सीडिंग पावर ऑफ 2 में ही दिया जाता है, इसलिए यह गलत है, ठीक है। यहाँ पे घ जो है ये 27 टीम है, तो कितने राउंड होंगे, जितना 2 के पावर होगा वही उतना ही राउंड होगा, तो 2 के पावर 5 यानी 5 राउंड होगा, ये राइट है। तो यहाँ पे आपका गलत कौन है, ऑप्शन नंबर ग जो है सुपर सीडिंग हमेशा पावर ऑफ 2 में दिया जाता है, 5 आपका नहीं होगा, इसलिए अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें कौन अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट्री फ्लॉप हाई जंप की टेक्निक है, जबकि ट्रक पाइक और ट्विस्ट ये सभी आपका डाइविंग की तकनीक है, इसलिए आपका फास्ट्री फ्लॉप इन चारों में से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें कौन है दोस्तों। तो सभी खेलों की टाइमिंग की बात यहाँ पे कर रहा है, तो खो खो की टाइमिंग कितनी होती है, 2 पारी में खेला जाता है, जिसमें से प्रथम पारी 4 क्वार्टर होता है, प्रथम पारी में 2 क्वार्टर 9-3-9 का होता है, फिर 6 मिनट का मध्यांतर दिया जाता है, फिर 9-3-9 का, तो यहाँ पे क आपका राइट हो जाएगा। एंड फुटबॉल जो है दोस्तों, फुटबॉल यहाँ पे गलत है, फुटबॉल में ये 90 मिनट का होता है, 2 पारी में 45-45 मिनट के 2 पारी होते हैं, लेकिन मध्यांतर 10 मिनट नहीं होता है, मध्यांतर यहाँ पे 15 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये आपका गलत है, ठीक है, यानी कि ये अलग है। जबकि बास्केटबॉल का टाइमिंग जो है 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं और
प्रथम पारी में दो क्वार्टर यानी कि दोनों क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का रेस्ट, उसके बाद 15 एक पारी के बाद 15 मिनट का मध्यांतर, उसके बाद दूसरा पारी 10-2-10 का होता है। कबड्डी में जो है 40 मिनट का गेम होता है, 2 पारी में प्रथम 20-20 मिनट का और 5 मिनट का मध्यांतर, सभी है सही है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें कौन आपका अलग है, यहाँ पे आपको छांटना है। तो यहाँ पे आपका देखते हैं पद्मा ट्रॉफी जो है क्रिकेट की राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी है, एंड बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल की राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी है, पूर्णिमा ट्रॉफी वॉलीबॉल की राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी है, जबकि लक्ष्मीबाई ट्रॉफी खो खो की राष्ट्रीय महिला ट्रॉफी नहीं है लेकिन खो खो की ट्रॉफी है, ये आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें कौन अलग है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे अलग कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जूडो, वैसु, बॉक्सिंग ये सभी कम्बैट स्पोर्ट्स है जबकि स्क्वैश जो है कम्बैट स्पोर्ट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे दोस्तों कोफ्का, गेस्टाल्ट, कोहलर, मैक्स वर्दीमर, यहाँ पे जो है गेस्टाल्ट जो है वह जर्मनी के विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों का एक समूह है, इसीलिए जो सभी की विचारधाराएं मिलती जुलती थी तो उसको गेस्टाल्टवादी विचारधारा कहा जाता है। इसे इस गेस्टाल्टवादी विचारधारा की सबसे पहले प्रयोग किया था चिंपैंजी पर अंतर्दृष्टि सिद्धांत इंसाइड थ्योरी कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके। तो यहाँ पे उसमें आपके गेस्टाल्ट के अंतर्गत कोफ्का, कोहलर और वैक्स वर्दीमर सभी आते हैं और गेस्टाल्टवाद का जनक माना जाता है वर्दीमर को, यहाँ पे आपका अलग है गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों का समूह है, बाकी सभी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि साइकिल, टेबलर, स्टेयर केस मेथड, ये लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का फिक्सर डालने की विधि है, जबकि लेडर जो है एक टूर्नामेंट का प्रकार है, लेडर जो है टूर्नामेंट का प्रकार है, चैलेंज टूर्नामेंट का प्रकार है ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे आपका हॉकी जो है खेल में जो ओलंपिक में कप्तान थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1952 में ओलंपिक में केडी सिंह बाबू कप्तान थे, 1936 में मेजर ध्यानचंद थे, एंड 1928 में जयपाल सिंह मुंडा थे, जबकि 1932 में आपके ले 1900 में लेस्ली वाटर क्लेडियस नहीं थे जबकि यह 1960 में थे, इसलिए यहाँ पे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो दोस्तों यहाँ पे सूचर यानी कि खोपड़ी के जोड़ को सूचर कहा जाता है ठीक है, खोपड़ी के जोड़ को क्या कहा जाता है, सूचर कहा जाता है ठीक है। तो खोपड़ी के जोड़ को सूचर कहा जाता है, तो सूचर जो है अचल संधि के अंतर्गत आता है, जिसमें 3 सूचर होते हैं, सेजिटल सूचर, फ्रंटल यानी क्रोनर सूचर एंड लैम्बॉइड सूचर, हॉरिजॉन्टल सूचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, तो यहाँ पे दोस्तों लीवर यानी कि उत्तोलक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बैलेंस फर्स्ट प्रकार के लीवर यानी कि जो फर्स्ट प्रकार का लीवर जिसमें एक्सिस बीच में होता है उसको बैलेंस यानी संतुलन का लीवर कहते हैं, तो ये राइट है। एंड फोर्स यानी कि सेकेंड प्रकार के लीवर जिसमें रेसिस्टेंस यानी बल रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है तो उसे फोर्स का लीवर यानी बल का लीवर कहते हैं, ये भी सही है। और जो फर्स्ट क्लास का लीवर है दोस्तों उसको मल्टीपर्पज लीवर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा ठीक है, मल्टीपर्पज लीवर कहा जाता है। और जबकि तीसरे प्रकार के लीवर को स्पीड का लीवर कहा जाता है, तो यहाँ पे सेकेंड प्रकार दिया हुआ है तो यहाँ पे ये गलत है, स्पीड का लीवर जो है
थर्ड प्रकार के लीवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है। तो असेंडिंग कॉलर, ट्रांसवर्स कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन, ये सभी आपके जो बड़े याद के भाग है सीकम कोलन मलासा है। तो कोलन के चार भाग होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड, ये आपका तीनों बड़े याद के कोलन का भाग है, जबकि लेटर कॉलन नहीं होता है, भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मैचेज इन वन फर्स्ट राउंड, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट राउंड में मैचों की संख्या ज्ञात करिए, जबकि मैचों की टीमों की संख्या इतना इतना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में मैचों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, n माइनस एन बी अपॉन, ठीक है, क्या होता है, n माइनस एन बी अपॉन टू। n कितना है यहाँ पे, पहले उठा के देख लेते हैं, कौ को n है आपका 18, तो 18 माइनस एन बी यानी कि जो आपका नंबर ऑफ बाई कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 18 आपका बाई हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा आपका 32 में 18 घटाएंगे तो 14 बाई दिया जाएगा अपॉन टू। अब 14 18 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, 4 अपॉन टू, यहाँ पे दो आपका मैच खेले जाएंगे फर्स्ट राउंड में। तो यहाँ पे जबकि 3 दिया हुआ है कॉ में, इसका मतलब कि कॉ आपका गलत है और सभी सही है, आप निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों जो आपका थ्रोइंग इवेंट्स होता है उसके सर्कल के बारे में, जैसे कि जो 2.135 मीटर होता है या शार्ट पुट एंड हैमर थ्रो की जो गोले का सर्कल होता है उसका व्यास होता है, और 2.50 मीटर जो होता है डिस्कस थ्रो के गोले का सर्कल का व्यास होता है, एंड दोस्तों 34.92 जो अंश होता है वह होता है आपका फेंकने के सेक्टर का कोण, तो ये भी राइट है, एंड आपका जबकि 2.45 मीटर का फील्ड इवेंट से कोई इसका मतलब नहीं है, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है दोस्तों, यह आपका बाधा दौड़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बाधा की ऊंचाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 0.914 मीटर किस बाधा दौड़ की, यानी बाधा दौड़ के अंतर्गत 110 मीटर पुरुषों के लिए 110 मीटर और 400 मीटर, महिलाओं के लिए 100 मीटर और 400 मीटर होता है, तो यहाँ पे 0.914 मीटर यह होता है आपका पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे राइट है को आपका, एंड ग है 1.067 मीटर, 110 मीटर पुरुषों की बाधा की ऊंचाई होती है, तो ये भी राइट है, एंड 0.84 मीटर 100 मीटर जो महिलाओं का बाधा दौड़ होता है उसकी ऊंचाई होती है, तो घ भी राइट है। ख जो है 0.762 मीटर होता है, 0.762 मीटर होता है महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई, जबकि यहाँ पे यह गलत है, ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, होना क्या चाहिए 0.762 होना चाहिए, तो 767 है, इसलिए यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेन की बात कर रहा है, यहाँ पे जो है क्रोनल प्लेन जो है फ्रंटल प्लेन को कहेंगे, बाकी तब सब मीडियल, सेजिटल प्लेन एंड इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, इस सेजिटल के प्लेन के उपनाम हैं, ठीक है, इस यहाँ पे आपका
क्रोनल प्लेन आपका अलग हो जाएगा क्योंकि ये फ्रंटल प्लेन का उपनाम है। दोस्तों यहाँ पे देखना होगा, फ्रंटल प्लेन को एंटीरियर पोस्टीरियर भी कहते हैं जबकि यहाँ पे सिजिटल में काउंट कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सस्पेंस में है। एंड जैसे कि जो प्लेन होता है तीन होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजेंटल प्लेन। जो सेजिटल प्लेन होता है उसको लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं। एंड सेजिटल प्लेन शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट। दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर हमने किताब में पढ़ा हुआ है यशन सिंह के बुक में, जबकि यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर सेजिटल में काउंट कर दिया है। तो फ्रंटल प्लेन जो है शरीर को आगे पीछे बांटता है और गति दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन मोमेंट। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे आप सुपीरियर इंफीरियर प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन भी कहा जाता है। ये शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और गति जो होती है सभी प्रकार के रोटेशन और एलिवेशन मोमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। यहाँ पे आपको देखना है कौन है, यहाँ पे ह्यूमरस है, रेडियस है, ओले क्रेनम है, ये सभी बांह की हड्डी का नाम है, जबकि कैलकेनस जो है वह एड़ी की हड्डी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स की जो हमारे जांघ के ऊपर सामने पाई जाती है, जो पैर को फैलाने और हिप को मोड़ने में काम आती है, जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल होती है चार पेशियों से मिलकर बनी होती है, उसका नाम है वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस और रेक्टस फेमोरिस। बाइसेप्स फेमोरिस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाइसेप्स फेमोरिस गलत होगा, क्योंकि रेक्टस फेमोरिस होता है, रेक्टस फेमोरिस वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस से मिला बना होता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जबकि बाइसेप्स फेमोरिस जो है जांघ के पीछे वाला जो मसल्स होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स, उसका ग्रुप का नाम है, जो जांघ के पीछे की जो मसल्स होती है तीन पेशियों से मिलकर बनी होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेमिलिनियस, सेमी टेंडेनियस, जो घुटने को मोड़ने के काम आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मोटर जो नर्व यानी कि न्यूरॉन होती है उसके प्रकार की बात कहा गया है। तो न्यूरॉन तीन प्रकार के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं उसको ऑफरिएंट एंड सेंसरी दोनों बोला जाता है। जो सेंसरी न्यूरॉन होती हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो न्यूरॉन है एफरिएंट न्यूरॉन, इसको मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। एंड नर्वस विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे ये भी राइट है, आपका हो गया एफरिएंट नर्व, ए सेंसरी नर्व से रिलेटेड है और सभी जो है एफरिएंट मोटर नर्व और नर्व्स विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, यानी कि ब्रेन से मस्तिष्क से सूचनाओं को हमारे बॉडी पार्ट यानी अंगों तक ले आता है, उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इस तीनों के तीनों मोटर न्यूरॉन्स से रिलेटेड हैं, जबकि आपका अफ्रीन जो है सेंसरी न्यूरॉन्स का दूसरा नाम है। आप याद रखिए जो हमारा न्यूरॉन्स होता है तीन प्रकार के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को अफ्रीन न्यूरॉन भी कहते हैं, जो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से सूचनाओं को, संदेशों को हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन तक पहुंचाता है। वहां पे जो प्रोसेस होता है सर्चिंग के बाद जो भी निर्णय होता है उसका जो है जो अब मस्तिष्क जो है सूचनाएं जो है हमारे बॉडी पार्ट यानी कि मसल्स तक, अंगों तक कौन पहुंचाता है, मोटर न्यूरॉन पहुंचाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है। दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें से अलग कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेडर चिनअप, बेंड नी सीटअप, सीटअप का नाम आते ही आप जानते हो कि पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। स्ट्रेडर चिनअप भी पेट की मांसपेशी को मजबूत करता है, ठीक है, यानी शक्ति को मापता है। एंड
पश्चिमोत्तानासन भी पेट की मांसपेशी को शक्ति को मापता है, जबकि पुलअप्स जो है यह बांह की ताकत को मापता है, इसलिए अलग है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो है जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, ये सभी ट्रैक एंड फील्ड का भाग है, जबकि चीनिंग जो है पुलअप्स का ही दूसरा नाम है, ट्रैक एंड फील्ड का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि कार्डियक और फिस जो हमारा अमाशय का जो ग्रास नली के बाद मुंह खुलता है वो कार्डियक, उसको कहा जाता है फंडस। एपेरिटोनियम, ये जो अमाशय होता है पेरिटोनियम झिल्ली से ढका होता है, ये सभी पाचन तंत्र से रिलेटेड हैं, जबकि एरोटा जो है महाधमनी को कहा जाता है, यह रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइल जूस यानी कि पित्तरस जो यकृत में निर्माण होता है, इसका काम है वसा का पाचन करना। गैस्ट्रिक लाइपेज जो अमाशय से स्रावित होता है, यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है जो अग्नाशय से स्रावित होता है, यह भी आपका वसा का ही पाचन करता है, जबकि ट्रिप्सिन जो है यह भी अग्नाशय से स्रावित होता है पैंक्रियास से, बट यह प्रोटीन को पाचन करता है, इसलिए अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें अलग कौन है दोस्तों? तो यहां पे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स या शरीर की वसा को मापता है, वेट वाटर वेइंग मेथड ये भी शरीर को वसा को मापता है, स्किन फुल कैलिपर भी शरीर की वसा को मापता है, जबकि स्लाइडिंग कैलिपर जो होता है शरीर के अंगों की चौड़ाई को मापता है, इसलिए अलग है। याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट रेट, ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये तीनों हार्ट से रिलेटेड हैं, और जबकि वाटर कैपेसिटी जो है वह उसका संबंध श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर कैपेसिटी श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया एंड ट्रैकिकार्डिया का होता है, जो हमारा श्वसन होता है एक मिनट में 72 बार होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 60 से 100 बार होता है। अगर हमारा हृदय गति 60 बार से एक मिनट में कम धड़कता है तो उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, जिसमें हृदय शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है पंप नहीं कर पाता है, तो ब्रेडिकार्डिया एक गंभीर समस्या हो सकती है। टैकिकार्डिया क्या होता है कि हृदय गति सामान्य से ज्यादा यानी 100 से अधिक पर मिनट हो जाती है, उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन इसमें अलग है। यहाँ पे आपका जो है एनएसएस, स्काउट गाइड एंड एनसीसी, ये सभी जो है सरकारी संस्था है, जबकि साई जो है स्वयंसेवी संस्था, सभी सॉरी दोस्तों एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड सब स्वयंसेवी संस्था है, जबकि साई जो है स्वयंसेवी संस्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे आप है न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी ओशिनिया में आते हैं यानी महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड है,
यहाँ पे 2012, 1948, 1908 तीनों के तीनों ओलंपिक जो है लंदन में आयोजित किए गए हैं, जबकि 2008 का ओलंपिक बीजिंग चीन में आयोजित किया गया है, इसलिए यह अलग है। एक एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके हल हो रहे हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इरिथ्रोसाइट जो है वह आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है, जैसे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट, जबकि यहाँ पे लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट। जो ल्यूकोसाइट है वह डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है, और जो लिम्फोसाइट है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कोशिका है, एंड जो मोनोसाइट है वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कोशिका है जो बैक्टीरिया को खाता है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट तीनों का संबंध डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल से, जबकि इरिथ्रोसाइट का संबंध आरबीसी से है, रेड ब्लड सेल से, इसलिए अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स ज्वाइंट, इमोबल ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, ये तीनों के तीनों जो है अचल संधि के नाम है, जबकि एम्फियार्थ्रोसिस जो है वह अर्धचल संधि का नाम है। ठीक है, जैसे कि तीन प्रकार के जोड़ हैं, अचल संधि, चल संधि एंड अर्धचल संधि। अचल संधि को फिक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, इमोबल ज्वाइंट कहते हैं, जबकि अर्धचल संधि को सिकली मूवेबल ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट एंड कार्डिलेजियस ज्वाइंट कहते हैं, जबकि चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर क्रिकेट से रिलेटेड है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई क्रिकेट से के स्टेडियम है, मैनुइल हग स्टेडियम पटना में है, ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड है, जबकि साल्ट लेक स्टेडियम जो है वो फुटबॉल से खेल का चर्चित स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैगिला, लैक्राइमल, वोमर, ये सभी हमारे फेसियल बोन का, हड्डी का नाम है, इसकी स्फेनॉइड जो है हमारा क्रेनियल यानी कि मस्तिष्क की हड्डी का नाम है, ब्रेन की हड्डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपका अलग कौन है? यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फुट नोट्स, मैन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, एक कोई विकृति का नाम है, ठीक है, किसी संदर्भ की विकृति का नाम है, जबकि प्लागरिज्म का संबंध जो है किसी भी संदर्भ से नहीं है, बिब्लियोग्राफी यानी बोलने में असमर्थ। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है? तो यहाँ पे सेंटर, एंटी रेडर, ये सभी कबड्डी से रिलेटेड है, जबकि केजर जो है बास्केटबॉल के खिलाड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो यहाँ पे जो है शॉर्ट कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर एंड कॉर्नर, तीनों का संबंध जो है हॉकी खेल से है, जबकि हैंड का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो यहाँ पे गैपलर, रेसलर्स, पैल, ये सभी कुश्ती के खिलाड़ी के उपनाम हैं, जबकि कॉम्बैट जो है से तात्पर्य होता है द्वंद से। तो इस प्रकार दोस्तों आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।